100 न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु सरसाल और आज मेरे साथ आप देखने वाले हैं फिल्म औरों में कहां जमता का रिव्यू, जो आज है फिल्मी फ्राइडे। और फिल्मी फ्राइडे में दो फिल्म रिलीज होने वाली है, एक जानवी कपूर स्टारर उलझ और सेकंड अजय देवगन और तब्बू स्टारर औरों में कहां दमता। देखते हैं किस फिल्म में ज़्यादा दम था। तो आइए शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट एडिटर्स। और एक दिन पहले एक्चुअली जो है हमने फिल्म देख ली, लेकिन फिल्म का रिव्यू हम जो है ऑन द डे आपको सबसे पहले 100 न्यूज़ में दिखाने वाले हैं। तो किस तरीके का अमेजिंग रिस्पॉन्स था, आइए आप भी देख लीजिए। समझ में नहीं आया भाई, मैंने बहुत यही नोटिस किया कि फिल्म ऐसा कैसे हो सकता है कि 11 साल की बेटी, अगर 12 साल शादी को हुए तो 11 साल की बेटी की शादी कैसे हो सकती है और डॉक्टर कैसे बन सकता है। कुल मिला के जो मूवी है वो इतनी दमदार नहीं है। वन टाइम देखने के लिए है और वन टाइम आदमी देख सकता है, लेकिन जो अजय देवगन और तब्बू की जोड़ी थी, इसे देख के लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, वो उम्मीदें जो है वो खरी नहीं उतरती उसमें। ओके, 5 में से कितने रेटिंग देना चाहेंगे? 2 भाई। ओके थैंक यू। कैसा लगा रिस्पॉन्स? बढ़िया लगा। अजय देवगन और तब्बू की पेयर कैसे लगे? अजय देवगन तब्बू बड़े टाइम से स्क्रीन पे दोनों एक दूसरे के पेयर बने आ रहे हैं, एकदम बढ़िया लगे पेयर में। ओके, 5 में से कितनी रेटिंग देंगे? 4.5। थैंक यू। कैसा लगा रिश? काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवी थी। मैं ये कहना चाहूँगा अगर आप घर पे बैठ के बोर हो रहे हो तो इस मूवी को जरूर देखने आ जाओ। बस थोड़ा फर्स्ट हाफ के अंदर तो बोर हो गए, लेकिन सेकंड हाफ इंजॉयबल है। ओके, अजय और तब्बू की जोड़ी कैसी लगी? अजय तब्बू की जोड़ी तो आप देखते हुए आ रहे, दृश्यम भोला और पहले की भी विजय पथ काफ़ी सारी मूवीज आई है, तो ऑलवेज उनकी तो जोड़ी मतलब देखने दिखाने लायक होती है। ओके, 5 में से कितनी रेटिंग? 3.5। थैंक यू। कैसा लगा रिस्पॉन्स? मतलब यार उतना मज़ा नहीं आया यार, मतलब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है मूवी देख के। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करा था मैंने, नीरज पांडे, अजय देवगन, तब्बू, ये मेरे फेवरेट एक्टर डायरेक्टर्स हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई इस मूवी को। और अजय और तब्बू की जोड़ी कैसी लगी? भाई उनकी जोड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन कहानी में बिल्कुल दम नहीं था। और हमें कहाँ दम था, नाम था, लेकिन कहानी में दम नहीं था। ओके, 5 में से कितनी रेटिंग देंगे? आई विल गिव 2 स्टार्स। थैंक यू। कैसा लगा रिस्पॉन्स? मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, फिल्म के अंदर ऐसा कुछ था ही नहीं देखने लायक, नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। ओके, अजय और तब्बू का पेयर जो कि हमेशा अच्छा रहा है, लेकिन इस फिल्म में बहुत ही फीका है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल कहानी है और हद से ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है। ओके, अब म्यूजिक की बात करें तो ऐसा नहीं लगता, मतलब क्या डायरेक्टर था, नीरज पांडे को रोमांस थमा दिया, बल्कि वो एक सस्पेंस और थ्रिलर कहानी के लिए जाने जाते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि उनके साथ ही बहुत बड़ी नाइंसाफी करी, उनको ही नहीं करना चाहिए था। ओके, और म्यूजिक इसमें सुखविंदर सिंह का वाकई बहुत अच्छा था। आउट ऑफ फाइव बल। तो भाई अभी देख के आ रहा हूँ औरों में कहां दमता, तब्बू और अजय देवगन स्टारर, मतलब इतनी अनएक्सपेक्टेड स्टोरी थी, सब हंस रहे हैं पीछे पिक्चर देख के जो आए, क्यों बना दी ये फिल्म मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कहानी थी। और नीरज पांडे का बहुत ही गलत यूज़ किया गया इस फिल्म में, मतलब वो एक थ्रिलर और सस्पेंस जॉनर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये रोमांटिक जॉनर में पता नहीं कहाँ फंस गए। मे बी अजय देवगन ने उन्हें इस फिल्म के लिए चुना है, या उन्होंने अजय देवगन और तब्बू को इस फिल्म के लिए चुना है, पता नहीं क्या था। मेरे हिसाब से 0 रिस्पॉन्स, कोई कहानी नहीं थी यार, सब हंस रहे हैं, आवाज़ भी पीछे आ रही होगी, पता नहीं क्या था। OTT पे रिलीज़ करते, हालांकि OTT के लिए भी नहीं थी, लेकिन OTT पे रिलीज़ करते तो शायद ज़्यादा चल जाती। तो भाई बस यही था मेरे हिसाब से। और स्टार की बात करूँ तो स्टार उन फिल्मों को दिए जाते हैं जिनमें थोड़ी बहुत कहानी होती है, इसमें कोई कहानी नहीं थी, पता नहीं वो खुद ही स्टार दे देंगे इस फिल्म को तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये था फिल्म का रिस्पॉन्स। और ऑफकोर्स यार इट्स अगेन अजय देवगन और तब्बू की जोड़ी है, तो बहुत ही कमाल का रिस्पॉन्स होगा। तो बहुत ही सस्पेंस से भरी फिल्म थी और आप सभी ने देख लिया होगा किस तरीके से लोगों को पसंद आई। आप फिल्म देखने वाले हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आप फिल्म का वेट कर रहे हैं OTT के लिए तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। 100 न्यूज़ में इसी तरह की रिव्यूज़ के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।